साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिसिन या कैरियर से रिलेटेड। साथियों, क्योंकि मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ साथियों, और ट्वेल्थ के बाद लोग सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनके गार्जियंस हमको फ़ोन करते हैं। साथियों, बहुत से विद्यार्थियाँ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन करते हैं, मैं उसको जो है क्वेश्चन पर कभी कभी कमेंट करता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों, एक लड़की विद्यार्थी ने, गर्ल विद्यार्थी ने जो है हमसे फ़ोन भी किया था और क्वेश्चन किया है कि सर, बी फार्मा गर्ल्स कर सकती हैं क्या? मतलब कहने का मतलब है कि उनको कन्फ्यूजन है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और वो डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ साथियों। और जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके और बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ साथियों। साथियों, जो गर्ल स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बी फार्मा गर्ल्स कर सकती हैं क्या, उसने पूछा है, तो मैं यही कहूँगा साथियों कि जेंडर इक्वलिटी की हमारी इंडिया में बात होती है, मोदी जी भी कहते हैं कि साथियों किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये आप अपने दिमाग से और दिल से निकाल दीजिए कि लड़कियां कर सकते हैं कि नहीं। लड़कियां आज के समय में हर फील्ड में सबसे आगे हैं, चाहे आप आर्मी में चले जाइए, चाहे सोल्जर की, सैनिकों की भर्ती हो, चाहे मेडिकल की भर्ती हो, आर्मी में है, पीएससी में है, उसके बाद क्या होता है कि पुलिस की है, उसके बाद सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बल है, इवन हर जगह पे आपको गर्ल्स मिलेंगे। इवन जो हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, पायलट होती हैं, एयरफोर्स में लड़कियां हैं, और क्या होता है जल सेना में, थल सेना में, हर जगह। और उसके बाद क्या होता है इसरो जो हमारा है उसमें भी सारी रिसर्च वैज्ञानिक लड़कियाँ हैं, हर प्रोजेक्ट में जो है गर्ल्स हैं, क्योंकि किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और क्या होता है कि गर्ल्स अगर फार्मेसी कोर्स करेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशरी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। साथियों, गर्ल्स अगर डी फार्मा या बी फार्मा करती हैं तो उसमें क्या होगा कि गर्ल्स को क्या होता है, शादी होती है और उनके हस्बैंड जो होते हैं, उसमें होता क्या है कि हस्बैंड की सपोज दैट जॉब गुजरात में है, और गर्ल और बॉय दोनों ही जैसे यूपी के हैं मान लो, और उनकी गुजरात में जो है जॉब लगी हुई है। अब जो लड़की है उसने अगर बी फार्मा किया है तो उसको गुजरात में भी रिसोर्स मिल सकता है जॉब करने का। कैसे? अगर बी फार्मा है, आपने अपग्रेड करके एम फार्मा कर लिया, अगर नहीं भी किया है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में वहाँ टीचिंग कर सकती हैं, इतने स्कूल हैं वहाँ पे। साथ ही साथ क्या हुआ, इतनी फैक्ट्री है वहाँ पे, आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप क्या है वहाँ पे, मेडिकल स्टोर पे भी काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, काउंसलर का भी काम कर सकते हैं, और आपके पास एक बैचलर डिग्री है, आप आईएएस पीसीएस किसी तरह की आप जो है तैयारी कर सकते हैं। हमारे एक गांव में एक जो है गर्ल ने बी फार्मा किया था और बहुत अच्छे नंबर से पास थी, तो उसके मदर फादर ने उसको बीटीसी करा दिया। तो कहने का मतलब है कि ये बैचलर डिग्री है साथियों, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि गर्ल्स भी कर सकती हैं, और एक बैचलर डिग्री है, उसमें बेनिफिट ये है कि हर स्टेट में हॉस्पिटल्स हैं, प्रोडक्शन की कंपनी है, और जो है क्या कहते हैं कि उसमें आप काम कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो इसलिए जो है किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, गर्ल्स को भी जो है बी फार्मा करना चाहिए। बी फार्मा जो है डी फार्मा करने में ये फ़ायदा है कि अगर आप बीटेक करेंगे, बीटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ स्टेट में, कुछ सिटी में उसकी बहुत ज़्यादा जॉब है। सपोज़ दैट बहुत सी गर्ल्स जो है क्या होता है कि बीटेक किया और उनको जो है पैकेज बेंगलोर का मिला, अब वो बेंगलोर जाती हैं, उनके मदर फादर भी टेंशन हेजिटेशन में रहते हैं, और फिर सोचते हैं कैसे शादी करेंगे, लड़का ढूंढते हैं तो सोचते हैं बेंगलोर का ही हो, इनकेस नहीं हो पाता है तो वो आना जाना, इस तरह से लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आपने बी फार्मा किया है तो सपोज़ दैट आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, बेंगलोर गए तो बेंगलोर में भी हज़ारों कॉलेज हैं, महाराष्ट्र गए महाराष्ट्र में हज़ारों कॉलेज हैं, अब वहाँ भी टीचिंग कर सकते हैं, वहाँ भी प्रोडक्शन में जा सकते हैं, वहाँ भी फार्मा लाइन में जा सकते हैं, वहाँ पे जो है ड्रग इंस्पेक्टर की अप्लाई को ऑल इंडिया कहीं भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी जो है जॉब है इसमें, और किसी तरह की आप जॉब जो है कर सकते हैं। साथियों, अगर आप डी फार्मा हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब होती है, जैसे रेलवे होती है, इफ्को होती है, एनटीपीसी में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं डी फार्मा या बी फार्मा के, एम्स है,
या फिर ऑटोनॉमस बॉडी है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है जॉब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि जो है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की बैचलर डिग्री के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, रेलवे में है, किसी में है, आर्मी में है, सभी में आप जा सकते हैं। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप बैचलर डिग्री है आप उसको करें। साथियों बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो है पारखी श्रीवास्तव करके एक जो है एक्स कंपनी में, जैसे हम पहले प्राइवेट थे, वहाँ पे एक लड़की आई थी एमबीए करके, जयपुरिया इंस्टीट्यूट से एमबीए किया था लखनऊ से, और उसकी जो डिग्री थी बैचलर की वो बी फार्मा थी। तो होता क्या है कि डिग्री करने के बाद कभी कभी माइंड चेंज हो जाता है, और आपको अगर एम्स टाइप का अच्छा आईआईएम का जो है अच्छा कॉलेज बन गया तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। और एमबीए इसमें क्या होता है, फार्मा लाइन में भी होता है। फार्मा एमबीए करेंगे तो आप क्या होगा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जो है। साथियों क्या होता है कि उसमें जो है आप एज ए एडमिन का काम कर सकते हैं, जैसे सहारा है, अपोलो है, मेदांता है, रेवांता है, बहुत तरह के हॉस्पिटल हैं, और अदर स्टेट के जो है लोकल चैन के बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या होता है कि ट्रेनिंग में जा सकते हैं, जो प्रोडक्शन की फैक्ट्री होती है उसमें जो ट्रेनिंग करती हैं विद्यार्थी, उसमें जो ट्रेनर होता है वो बी फार्मा एंड एमबीए होता है, बी फार्मा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है बहुत से ऑप्शन हैं, आप इस कोर्स को करिए। और साथियों किसी को भी किसी तरह की क्वेरी है, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम एफबी पे भी मिलते हैं, फेसबुक पे भी। साथियों डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से ईजी स्टडी फार्मेसी के नाम से हमारा पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।